अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यौम आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ाद हुआ था। आज आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं और फिर भी यही सवाल है कि क्या हमारा मुल्क सच में आज़ाद है। हमारा मुल्क सच में आज़ाद तभी होगा जब आधी रात को सुनसान सड़क पर एक बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, जब एक महिला आधी रात को सुनसान सड़क पे खुद को महफूज महसूस करेगी, उस दिन हमारा मुल्क सच में आज़ाद होगा। जब हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, देश के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, तब हमारा मुल्क सच में आज़ाद होगा। जब युवाओं को उपयुक्त रोज़गार मिलेगा, बुजुर्ग और महिलाओं को सम्मान मिलेगा, तब हमारा देश सच में आज़ाद होगा। जब हर एक नागरिक को बराबर समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात से बिलोंग करता हो, हर नागरिक को अगर बराबर समझा जाएगा, एक समझा जाएगा, एक जैसा समझा जाएगा, तभी हमारा देश सच में आज़ाद होगा। जब मजदूरों को उनके मेहनत की कमाई का पूरा हिस्सा दिया जाएगा, तभी हमारा देश सच में आज़ाद होगा। जब देश के किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे और खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, तभी हमारा मुल्क सच में आज़ाद कहलाएगा। सेना में देश की सेवा करते हुए शहीद होने वाले नौजवानों को और उनके परिवार वालों को सम्मान मिलेगा और उपयुक्त सहायता दी जाएगी, तभी हमारा मुल्क सच में आज़ाद होगा। जब हर एक गरीब को पेट भर खाना मिलेगा, दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोगों का शोषण बंद हो जाएगा, तभी हमारा मुल्क सच में आज़ाद कहलाएगा। जब गरीब आदिवासी पिछड़ा वर्ग दलित और शोषित वर्ग को बराबर का सम्मान मिलेगा, देश में उनको बराबर का नागरिक समझा जाएगा, तभी हमारा मुल्क सच में आज़ाद होगा। जब मुल्क से आतंकवाद नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्याओं का जड़ से निपटारा हो जाएगा, तभी हम लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।